तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल की स्पीड को इंक्रीज़ करना, अपने मोबाइल की स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन लेकर आया हूं, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल की स्पीड को काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन असल में करेगी ये कि आपके सारा मोबाइल का वायरस को क्लीन कर देगी और आपके मोबाइल को इतना बूस्ट करेगी, आपके मोबाइल की स्पीड को काफ़ी इंक्रीज़ कर देगी। बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है, लेकिन आपके मोबाइल का बहुत ही बड़ा मसला हल कर देगी दोस्तों। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम है मैक्स फोन मैनेजर। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, जो आपके मोबाइल की स्पीड को काफ़ी इंक्रीज़ कर देती है और आपका काम काफ़ी आसान कर देती है। दोस्तों, मैंने जब से इसको यूज़ किया है तो मेरे मोबाइल की स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी। दोस्तों, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप वीडियो के लिंक को ओपन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपको एक डाउनलोड का बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको यूज किस तरह कर सकते हैं अपने मोबाइल की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ऊपर नोटिफिकेशन बार में भी आपको इसकी शॉर्टकट की आ जाएगी। यहां से आप इसका बैटरी सेवर भी ऑन कर सकते हैं, इसकी फ्लैश लाइट भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल को बूस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, क्लीन भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो थोड़ी सी लोडिंग ले, बाकी सेकंड टाइम जब भी आप इसको बाद में ओपन करेंगे तो जल्दी ओपन हो जाएगी। और दोस्तों, आपसे एप्लीकेशन कोई भी परमिशन मांगती है तो आपको इसको अलाउ कर देना है। आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक, दोस्तों गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है आपको। आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे, उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है स्टार्ट फुल स्कैन, तो आपको यहाँ से स्कैन करके फुल स्कैन अपने मोबाइल को फुल स्कैन कर लेना है। दोस्तों, थोड़ी देर में आपके मोबाइल को फुल स्कैन कर देगी, बिल्कुल आपके मोबाइल में वायरस को क्लीन कर देगी। आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ने क्लीनिंग करना शुरू कर दी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से बूस्ट कर दिया है 312 MB को और 787 MB को क्लीन कर दिया है। दोस्तों, ये मोबाइल को आपके सिक्योर भी रखती है और आपके मोबाइल को क्लीन भी करती है, बूस्ट भी करती है। तो आपको इस एप्लीकेशन में बार बार आके अपने मोबाइल को दिन में एक दो बार क्लीन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है और ये आपके मोबाइल की स्पीड को भी काफ़ी बढ़ाती है। तो आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ज़रूर रख लेना है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको इस एप्लीकेशन के ऑन फंक्शन बताता हूँ। ऊपर आपको कैटेगरीज दिख रही होंगी, ऑप्शन बूस्ट, क्लीन, सिक्योरिटी, मोर। तो दोस्तों, आप सिक्योरिटी में जाएंगे तो आप अपने मोबाइल पे इसके जरिए पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं और बूस्ट के अंदर आप अपने मोबाइल को बूस्ट भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल को आप बार बार इससे क्लीन भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल में जितना भी इंटरनेट के जरिए वायरस आता है, आप उसको यहाँ से क्लीन भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं तकरीबन 800 MB तक का वायरस है मेरे मोबाइल में, जिसको मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लीन कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अभी मैं नहीं करा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और इधर मोर का ऑप्शन है, आप मोर पे क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन के आपको और भी फंक्शन दिख जाएंगे। इधर सेफ ब्राउज़र का ऑप्शन है, इसके अंदर आप ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही लाइट ब्राउज़र है, आपके मोबाइल को ज़्यादा, आपके मोबाइल की मेमोरी पर ज़्यादा असर नहीं होता। तो आप अपना ब्राउज़र इंस्टॉल भी कर इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऊपर का नोटिफिकेशन बार को नहीं इनेबल रखना तो आप इसको बंद कर सकते हैं, वरना ऊपर से शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में नहीं बताना था कि आप अपने मोबाइल की स्पीड को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके अंदर आपको बस बार बार आकर अपने मोबाइल को बूस्ट करना है और क्लीन करना है, और यहाँ से सिक्योरिटी में आकर आपको अपने मोबाइल की रिसॉल्व सिक्योरिटी को भी बार बार रिसॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों, इससे होगा ये कि आपके मोबाइल की स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, आपके मोबाइल में काफ़ी जंक फाउंड जितना भी है, वायरस जितना भी, सब आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। तो इससे आपके मोबाइल की इंक्रीज़ हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा स्पीड। और दोस्तों, आप इसके बैटरी सेवर को ऑन करके अपने मोबाइल की बैटरी को भी काफ़ी सेव कर। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, मेरे को तो बहुत ही पसंद आई है। आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि अपने मोबाइल की स्पीड को इंक्रीज़ किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।